पार्टी करीन, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दीन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दीन। कोयला में, बालू में, शराब में, डीएमएफ के राशि में और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खा दीन। ऐसे भ्रष्टाचारी मला सबक सिखाना है कि नहीं? विधानसभा के चुनाव में आप मनोमला सरकार से आउट कर दे हो, अभी ये लोकसभा के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के हमर प्रधानमंत्री जी ला सौंपना है कि नहीं? रायगढ़ और चांपा जांगीर दोनों आपन जीता थो ना, भारी मत से जीता थो, तो दोनों हाथ उठा के हमर प्रधानमंत्री जी ला विश्वास दिलाओ भाई कि दोनों लोकसभा भारी मत से आपन जीता थो। और आप मान जो मोदी के गारंटी में विश्वास करके विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला सरकार में बैठाओ, और मोदी जी के आशीर्वाद से आज जो मोदी की गारंटी ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार साय साय पूरा करत है कि नहीं? चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के बात हो या 2 साल के धान के बोनस कितना किसान वाला मिली से, हाथ उठा एक बार, सबो झाला मिली से। अंतर की राशि 24,72,000 किसान मल्ला 13,320 करोड़ की राशि मिली से ना। हमर महतारी मन भारी संख्या में है, वो मल्ला महतारी बंधन के 2 महीना के किस्त मिली कि नहीं? मिल गई से ना, तो सब काम साय साय होते हमर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और कांग्रेस वाला मन के अपन हार स्पष्ट दिखा थे और एक लिए उमन आए बाएं कुछ भी बोलते हैं, हमर बड़े बड़े नेता मन के ऊपर भी अनर्गल बात करते हैं, इला हमला बर्दाश्त करना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उमला सबक सिखाना है कि नहीं? इमन गलत फहमी फैलाते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी तो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, संविधान से छेड़छाड़ करने वाला तो ये कांग्रेसिया मन है जो 80 बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। आज वो मन गलत फहमी पैदा करते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कोई आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं।